हेलो फ्रेंड्स, कुसुम की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम की सब्जी। उसको हम मटन स्टाइल में बनाएंगे और बहुत टेस्टी लगता है और उसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको धो के और अच्छे से काट के दो दो पीसेस में काट लिया है। इसको साफ गर्म पानी से धोना, अगर नहीं साफ हो रहा है, वैसे इस मौसम में तो नॉर्मल पानी से ही धुल जाता है, लेकिन ठंडी के मौसम में नहीं धुलता है। तो आप इसको मैंने नॉर्मल पानी से एकदम अच्छे से क्लीन साफ कर लिया है और इसको मैंने दो दो पीसेस में रखा है और ये बहुत टेस्टी लगता है। दो दो पीसेस में, छोटे पीसेस हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने इसको दो दो पीसेस में रख लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट रखा है, इसको इसमें मिक्स कर लेंगे और दही डालेंगे इसमें। फ्रेंड्स, इसमें दही डालेंगे, मैंने इसमें 100 ग्राम मैंने इसमें दही डाला है। और नमक डालेंगे इसमें, नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। ये अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा सारा मसाला। तो इसको हम बनाएंगे फ्रेंड्स, इसको हाथ से ही मिक्स करेंगे, नहीं अच्छे से नहीं मिक्स होगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें मसाला अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अगर इसको हाथ से नहीं मिक्स करेंगे तो अच्छे से नहीं मिक्स होगा और इसमें मसाला भी अच्छे से नहीं लगेगा। इसको फ्रेंड्स मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद इसको हम बनाएंगे। जब तक हम प्याज कट कर लेते हैं पतले पतले स्लाइस में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्याज को कट करके रख लिया। ये 3 मीडियम साइज का प्याज है और इसको मैंने पतले पतले स्लाइस में कट किया है। पेस्ट नहीं बनाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने 2 मीडियम साइज का टमाटो लिया है, क्योंकि दही डाला है तो टमाटो थोड़ा कम डालेंगे, इसलिए मैंने इसको पतले पतले स्लाइस में कट किया है। इसका भी पेस्ट नहीं बनाया है। और कुछ खड़े मसाले लिया है मैंने। देखिए, मैंने दालचीनी की लकड़ी ली है और तेज़पत्ता लिया है, हरी इलायची ली है और बड़ी इलायची ली है काली वाली, और काली मिर्च लिया है मैंने। और अब हम तड़का लगाएंगे। तेल मैंने डाल दिया था फ्रेंड्स, इसमें जीरा डाल देंगे, खड़े मसाले इसमें डाल देंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज ब्राउन हो गई है, इसमें टमाटो ऐड कर देंगे और इसमें नमक और मसाला डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, इसमें मटन मसाला डालेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और ये मटन मसाला है, मैंने इसमें डाला है। इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पका देंगे फ्रेंड्स, 5 मिनट के लिए, और मसाला एकदम अच्छे से गल जाएगा। उसके बाद इसमें मशरूम ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम अच्छे से मसाला हो गया है और इसमें हम मशरूम जो मिक्स करके रखे हैं उसको डाल देंगे। मशरूम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें नमक अच्छे से हो जाए। और इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ये अच्छे से इसमें नमक और वो अब्जॉर्ब हो जाएगा मसाला सारा, उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसको ऐसे ही ढक देंगे फ्रेंड्स और इसको 2 से 4 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे। धीमी आंच पर रखेंगे फ्रेंड्स ताकि इसमें मसाला अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 से 7 मिनट हो गया है और इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए इसमें कितना पानी छूटा हुआ, एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हम उसी में जिसमें मिक्स किए थे और वही थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अगर आपको रोटी और पराठा पूरी के साथ खाना है तो आप पानी नहीं ऐड करना, अगर आपको राइस के साथ खाना है तो आप ज़रूर ऐड करना पानी। मैंने इतना पानी ऐड किया है और 4 से 5 सीटी आने तक इसे पकाएंगे, क्योंकि इसमें दही और टमाटर है तो पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे तो मशरूम बहुत जल्दी पक जाता है फ्रेंड्स, लेकिन दही और टमाटर है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं 4 से 5 सीटी आने के बाद ही गैस को बंद करूँगी। मैंने बंद कर दिया गैस फ्रेंड्स, देखिए प्रेशर आना शुरू कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, 5 से 6 सीटी, देखिए फ्रेंड्स ये एकदम अच्छे से पक गया है और मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है। इसमें बहुत सारी धनिया से इसको गार्निश करेंगे
और उसके बाद इसे हम प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो गया है और ये बहुत बनाना आसान है और इतना टेस्टी लगता है। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करना। और इसको बनाने में बहुत ही फटाफट बन जाता है, इसको बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है और इसको बनाना बहुत आसान है और ये हमेशा अवेलेबल होता है। फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करना और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा देना। फ्रेंड्स आप इसको रोटी राइस पराठा पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं। मैंने राइस के साथ रखा है खाने के लिए और ये सबके साथ बहुत टेस्टी लगता है, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना और वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।